Like we were so happy in the end of year 2020 that COVID-19 is gone, 2021 is welcoming us. Right now, the date is 5th June 2021. Many people have lost, many, including that many. I'm the one who had lost my father on April 28th. Why it happened? Because we Indians were so unaware about the outcomes which we were not thinking of, or just because we were not taking the precautionary measures which the government of India was trying to convey in our heart and minds. कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है, ऐसा क्यों हुआ? जिंदगी ना वीरान सी हो जाती है जब आप किसी अपने को खोते हैं तो, और मेरे तो तीन तीन गए हैं। पहले मेरे नाना जी गए, फिर मेरे पापा जी गए, उनसे पहले मौसा जी गए, तो ये सिलसिला साल की शुरुआत से ही चलता आ रहा है। मैं आप लोगों को अपने पिताजी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा। शायद उनके जैसा कोई था नहीं। मेरे सुबह उठने से पहले ही मेरे सामने पानी का गिलास और चाय का एक कप रख दिया जाता था, जो कि वो खुद अपने हाथों से लेके आते थे। उन्होंने कभी भी थ्रू आउट मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उनके तीन मेजर एक्सीडेंट हो चुके थे। पहला एक ट्रक से टक्कर, दूसरा ब्रेन हैमरेज होते होते बचा, और तीसरा घुटनों का एक्सीडेंट। उसके बाद भी वो बहुत दफ़ा गिरे हैं, घुटने में काफ़ी दफ़ा चोटें आई हैं, लेकिन वो जी रहे थे। लेकिन 22 से लेके 28 अप्रैल के बीच में न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। मैंने काफ़ी दफ़ा, बहुत दफ़ा पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो मुझे बता दो, मैं नहीं चाहता आपको खोना। शायद भगवान ने कुछ और ही प्लान कर के रखा हुआ था। वो चाहते थे कि इनका वक्त पूरा हो गया है और इनको हम लेके जाने वाले हैं। और तो और सुनिए, मेरी जो माता जी थी वो इस सदमे के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और उनकी कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल थी। भोलेनाथ की कृपा है कि मैं उन्हें बचाने में कामयाब रहा। मेरी बहनों को भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। Why it's happening to all the good peoples? Have you ever thought about it? Why? Let me tell you. You know the sins which the humanity is doing from the last decade is making all the screamings of the animals, the women, the small child, girls, which is getting raped, which is getting molested, which is getting tortured, all the screamings of all the good creature on the earth is getting in the ears of the heavenly God, and God has giving us the punishment. तो क्या इसका हल है? इसका हल ये है कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप भारत के किसी भी कोने में हो, अपनों के साथ वक्त ज़रूर बिताना शुरू कर दे, क्योंकि पता नहीं आप उनका चेहरा दोबारा कब देख पाएंगे। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। जिसे मैं नहीं देख पाया, चाहे माँ बाप कैसे भी हों, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। जिन्हें भी आप अपने दिल के करीब मानते हैं, उनको अपने पास बिठाएं और उनसे ढेर सारी बातें करें कि मैं कहाँ गलत था या मैं कहाँ गलत थी, मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या क्या किया है, क्या
मैंने आपसे कभी माफ़ी मांगी है जो गलती मैंने की है? कितनी दफ़ा मैं आपके पास आया हूँ या आई हूँ, ये सारे सवाल पूछना शुरू कीजिए। देखिए उनके दिल में कितनी सारी बातें होंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। विशाल मेहता पेज को लाइक और इस संदेश को अपने जितने भी करीबी हैं उन तक पहुँचाएँ, और बैठ के बातें करें अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों के साथ जिनको आप कुछ मानते हैं, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट। वन डे वी ऑल हैव टू गो। द टाइम विच वी हैव राइट नाउ वी हैव टू यूटिलाइज इट विद आवर लव्ड वंस। थैंक यू।